तो नाइन्थ ऑब्जेक्टिव में यंग्स एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स एक्ट एज अ कोहरेंट सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा. वो कह रहे हैं एक इन अदर एक्सपेरिमेंट सेम सेटअप के साथ टू स्लिट्स आर सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए वेवलेंथ भी लैम्डा बट इनकोहरेंट. आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकालनी है एट मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन. मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट पे. तो हमने पहला फॉर्मूला क्या किया, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया था कोहरेंट में. कोहरेंट में क्या था? ए प्लस ए का होल स्क्वायर. या इसको भी छोड़ो, अभी मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कोहरेंट में क्या लिखवाया था आपको, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए 1 हो जाएगा और इंटेंसिटी क्या आएगी, 4a स्क्वायर. आंसर कोहरेंट में क्लियर है. इन कोहरेंट में भी क्या करवाया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर i1 प्लस i2. तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगी, 2:1. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इन कोहरेंट कोहरेंट में आंसर कैसे देना है. इसमें कोई डाउट? इसमें cos square 5/2 half. मैथ्स में अगर 5 0 से 2π लिया जाए तो cos square की वैल्यू एवरेज हाफ आती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम 0 है, 0 और 1 के बीच में मिड पॉइंट आता है हाफ. ये मैथ्स का रिजल्ट है, आप मेडिकल में नहीं चाहिए. नहीं ठीक, आप एफ एस फॉर्मूला याद रखो बस. आपको प्रूफ तो करना ही नहीं है, तो वैसे बता दिया मैंने. नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 10th. यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज π/2, 5 गिवन है π/2, इंटेंसिटी एट पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्लिट्स. ये कौन सा पॉइंट होता है भाई इक्विडिस्टेंट वाला? ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विडिस्टेंट. तो इक्विडिस्टेंट है तो इक्विडिस्टेंट का सेंटर पॉइंट है. यहां पर इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम. वैसे 4i0 होती है, पर वो क्या लेने को बोल रहे हैं? I not, तो बोला था ना ट्रिक करता है, 4i0 होता है, पर ये I not कह रहा है. तो आपका फॉर्मूला रिजल्टेंट का चेंज हो गया, 4i0 cos square 5/2 की जगह सिर्फ I not cos square 5/2. ये सेंटर पॉइंट पे phi क्या होता है? 0. phi 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? I not. समझ में आ रहा है यहाँ तक? और आपको phi क्या गिवन है? π/2. तो आप इस π/2 को यहाँ पुट करो, π/2 क्या होगा? π/4. π/4 का मतलब 45 degree, cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हाफ. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट लाइट. देखो बोल देता है व्हाइट लाइट से YDSC हो रहा है, तो वैसे व्हाइट लाइट से पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिंजेस दिखती नहीं है, पर आप प्लीज एक्सेप्ट करो ये चलता है ऐसे. व्हाइट लाइट रेड कलर की, ग्रीन कलर की, व्हाइट बोल देता है, व्हाइट मोनोक्रोमेटिक है, ज्यूम कर लो. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, दो स्लिट्स हैं S1 S2. द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, इसमें कंफ्यूज करने के लिए छोटे डी की जगह छोटा बी यूज कर दिया, तो स्लिट्स में सेपरेशन स्मॉल बी है, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन कैपिटल डी की जगह छोटा डी कर दिया कंफ्यूज करने के लिए. वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट लिया सीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, तो कोई भी एक स्लिट के बिल्कुल सामने एक पॉइंट ले लिया पी. इस पॉइंट पर वेवलेंथ्स आर मिसिंग. अंडरलाइन कर लो, वेवलेंथ्स आर मिसिंग का मतलब होता है यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहां पर डार्कनेस होगी. मिनिमा का पॉइंट है, वेवलेंथ मिसिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा का पॉइंट. मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है. ठीक है, तो यहां मिनिमा का पॉइंट है. तो कह रहे हैं वो लैम्डा क्या हो सकता है? सबसे पहले एक पॉइंट को बताओ, इस पॉइंट को अगर डिस्कस करें इस डायग्राम के अंदर, मुझे आप ये बताओ एक्चुअल में ये सेंटर है. सेंटर तो यहां पाया जाएगा, पक्की बात है. हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं? सेंटर से. ये डिस्टेंस अगर बी है तो आधा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां? b/2. यानी कि पी पॉइंट की दूरी सेंटर से कितने गिवन है? b/2. और हमने अपनी थ्योरी में इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? x से. तो x की वैल्यू कितनी है? b/2. मैंने आपको ये भी कराया था स्पेशल
कि कोई भी YDSC में पाथ डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना हो, पाथ डिफरेंस, तो मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूला लिखवाया था x की फॉर्म में, x d बाई डी, याद है फॉर्मूला बुकलेट में डेरिवेशन में लिखा था आपने, x d बाई डी। x d बाई डी में इस केस में स्मॉल d की जगह पुट करेंगे b, और कैपिटल d की जगह क्या पुट करेंगे, स्मॉल d, ये पाथ डिफरेंस है। अभी अगर ये पाथ डिफरेंस है और इसमें सबसे बड़ी बात, x तो आपको गिवन ही है, कितना b बाई टू, एक्स तो b बाई टू है, तो x की जगह पुट कर दो b बाई टू, तो b बाई टू इन टू बी डिवाइडेड बाई डी, सॉल्व करके क्या आएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, ये क्या आ गया पाथ का डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की ये वैल्यू आ गई, राइट, क्लियर है यहां तक, तो पाथ डिफरेंस आ गया, समझ में आ रहा है यहां तक, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब ये पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 है तो कौन सी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव है तो उस केस में क्या होगा, मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। तो इस पाथ डिफरेंस को आप पुट करो, ये रहा पाथ डिफरेंस, बी स्क्वायर बाई 2d इज 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया लैम्डा, आप n की जगह 1 2 3 पुट करो, लैम्डा आएंगे, ऑप्शन मार्क कर लेना कौन सा आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है कि पहले पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस में x की जगह b बाई 2, तो वो पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 करके आंसर आएगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें, शीट का फोर्थ क्वेश्चन बता दो एक बार, किसी का, किसी का फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला, यस सर। एक लाइट ने L1 डिस्टेंस ट्रेवल किया N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, यस सर, है ना, और दूसरे में क्या किया L2, यस सर, ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर कितना ट्रेवल किया, दोनों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर, तो मीडियम कॉमन हो गया, मीडियम कॉमन हो गया, पार्ट डिफरेंस निकाल लिया माइनस करके, तो फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस आंसर, ओके सर।